वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैसअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैसअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। ना चाहिए था कि कश्मीर से इंडिया जाती है, वो हर कहीं अपने कंट्री में घूम सकती है। यहाँ तो किसी के माइंड में ऐसा नहीं है, बट आई डोंट नो आपको क्या दिखाया जा रहा है उनको। तो इनफैक्ट समबडी आस्क्ड मी, आप लोग को वहाँ पे खाना मिलता है, आई वाज लाइक आटे का आप लोग को प्रॉब्लम है, हमने क्या किया? जाहिर है पाकिस्तान हर चीज को अगर मसला कश्मीर की अहम से देखेगा तो वो देख देख के पहले ही जो है वो अपनी आंखों को अंधा कर चुका है। We have everything here. You name it, I'll tell you. And मजे की बात ये है, जो पाकिस्तानी एक अलग सा नैरेटिव बना के दिखा रहे हैं, बट जो उन्होंने ऑलरेडी मकबूजा कश्मीर रखा हुआ है, वहाँ पे जो ऑप्रेस कर रहे लोगों को, उस पर बात नहीं कर रहे। हम तो मार गए, हम तो खुदा की कसम इस रात में पहुंच के हमने मोदी का नारा लगाएंगे, हमें सलाद में पहुंच गए, ये हुकूमत है। कभी कभी पाकिस्तान के लिए भी दुआ कर दिया करें। हमारे ख्यालात तो काफी अच्छे हैं, ये आई थिंक हमारे खून में है, पूरे भारत में है। पाकिस्तान की तरफ से तो खैर कोई खास हमें हैरत नहीं है कि इस किस्म की स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, और आप जानते ही हैं। आपको नहीं लगता कि हेट कहीं ना कहीं दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी परसेंटेज ऐड हो रही होती है? आप अब ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, बिकॉज राइट नाउ आपके बुक्स में ये पढ़ाया जाता है कि मुसलमानों को हिंदुओं ने मारा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और आंखें खोल देने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर भारतीय कश्मीर की एक लड़की ने उन पाकिस्तानियों को ऐसा करारा थप्पड़ मारा है जो पाकिस्तानी इंडिया के खिलाफ, भारत के खिलाफ हमेशा प्रोपेगेंडा और झूठ खबरें फैलाने में लगे रहते हैं। और पाकिस्तान को न सिर्फ थप्पड़ मारा है, बल्कि पाकिस्तान का जो नकाब है और उस नकाब के पीछे जो भारत के प्रति पाकिस्तान के अंदर घृणा फैलाई जाती है, बचपन से उनको पढ़ाई जाती है, और पाकिस्तान के ढोंग का ऐसा फोल खोला है जिसे देख कर के उन पाकिस्तानियों को शर्म से सिर झुक जाना चाहिए, खास करके पढ़े लिखे पाकिस्तानी और टीवी एंकर जो पाकिस्तानी मीडिया पे खुलेआम इंडिया के बारे में न सिर्फ झूठ फैलाते हैं, बल्कि जिस तरह से वो हिंदुओं के प्रति या नॉन मुस्लिम लोगों के प्रति मानसिकता क्या है। तो दोस्तों, आइए पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो देखते हैं। हमारे साथ इंडिया की कश्मीर से एक बहुत ही क्यूट सी गेस्ट मुंतहा मौजूद है, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है। अच्छा मुंतहा, जिनको लगता है कि वहाँ खवातीन छोड़ो मर्द भी सेफ नहीं है और उनको भी राइट्स नहीं दिए जाते हैं उनके, और चीजें जो है ना, जब आप लोग ऐसी कोई बात पाकिस्तान की जानिब से सुनते हो तो बीइंग अ कश्मीरी क्या वाइब आती है, क्या फीलिंग आती है, यार कैसे जवाब दें, कैसे बताएं इनको? हम लोग को जवाब देने की जरूरत नहीं है। दे कैन सर्च एवरीथिंग अबाउट कश्मीर एंड दे विल सी कि यहाँ पे कितने सारे हमारे प्लेयर्स हैं, कितने सारे हमारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स हैं, दे आर लाइक हैप्पी हेयर और सब कुछ अच्छे से जा रहा है। इन कश्मीर वी हैव सो मेनी एंटरप्रेन्योर्स, उसके बावजूद गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास काफी सारी स्कीम्स आ रही है, साथ साथ दे आर प्रोवाइडिंग अस द लोन्स। ओवरऑल जो यहाँ पे काम हो रहा है कश्मीर में फॉर वीमेन एम्पावरमेंट, वो भी काबिले तारीफ है। हम बहुत अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं, फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं। तो आई डोंट थिंक का कोई स्कोप बनता है बोलने का कि यहाँ पे वी डोंट हैव एनी राइट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उनको जो आई थिंक देना जरूरी नहीं है, बिकॉज उनका काम ही है ये सब फैलाना। जो कश्मीर की वहाँ पे स्पेसिफिकली सिर्फ कश्मीर की खवातीन होते हैं, हमारे यहाँ से पूछने वाले इंडिया के अंदर जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए कहीं और अप्लाई कर सकती हैं? वो हर कहीं अपने कंट्री में घूम सकती है, लाइक वी आर पार्ट ऑफ इंडिया, मैं हमेशा ही बोलती हूँ। तो ऐसा क्यों है? पहला आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि कश्मीर से इंडिया जाती है। यहाँ तो किसी के माइंड में ऐसा नहीं है, बट आई डोंट नो आपको क्या दिखाया जा रहा है, तो उस हिसाब से मैं बोलूंगी। आई वॉन्ट टू क्लियर हेयर, जैसे बाकी स्टेट्स में लोग रह रहे हैं वैसे हम भी है। इनफैक्ट हमारे पास तो कश्मीर के पास
बाकी स्टेट से ज्यादा फंड नहीं है। तो अब आप खुद सोचिए कश्मीर कितना आगे जा रहा होगा। वी हैव एवरीथिंग हियर, नेम इट आई टेल यू, सो हाउ कैन वी जस्ट से कश्मीरी तो बस ऐसे ही जिंदा है वहां पे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। उनको तो इनफैक्ट समबडी आस्क्ड मी आप लोग को वहां पे खाना मिलता है, एंड आई वाज लाइक आटे का आप लोग को प्रॉब्लम है, हमने क्या किया। सो एंड मजे की बात ये है जो पाकिस्तानी एक अलग सा नैरेटिव बना के दिखा रहे हैं, बट जो उन्होंने ऑलरेडी मकबूजा कश्मीर रखा हुआ है उस पर काम नहीं कर रहे। वहाँ पे जो ऑप्रेस कर रहे लोगों को, वहाँ पे जो औरतें उनको हकूक नहीं मिल रहे उस पर बात नहीं कर रहे। वो सब तो रिएक्शन चैनल वाले दिखाई नहीं रहे इंडिया के साथ खुश है, देखा है उनका प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान के लिए भी दुआ कर दिया करें, क्यों हमारे ख्यालात तो काफी अच्छे हैं, कोई दुआ नहीं करेंगे, हमें तुम एक पर्सन दे तो हम सो देने को तैयार है। ये आई थिंक हमारे खून में है, पूरे भारत में है। आपको नहीं लगता कि हेट कहीं ना कहीं दोनों तरफ से थोड़ी हो रही होती है? आई टेल यू वन थिंग, हमेशा पाकिस्तान आग लगाने वाला क्यों है? ये किसने कहा कि पहले हम पाकिस्तान करते? देखिए आप अब ये नहीं, ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर द वन राइट नाउ। आपके बुक्स में ये पढ़ाया जाता है कि मुसलमानों को हिंदुओं ने मारा और इंडिया ने कश्मीर को खींचा, जबकि 1947 में आप पाकिस्तान तो खुद भारत से निकला हुआ है। तो ये सब आप पढ़ा रहे हो, मेरी बात सुनिए। हाँ, मैं इस सारी चीज को एग्री करती हूँ, अब हम नहीं बदल सकते, मगर अगर जनरल पब्लिक की बात करें ना तो देखिए आपकी हुकूमत क्यों है कि आप अपने टेक्स्ट बुक नहीं बदल सकते? क्यों? दैट मीन्स आपके यहाँ पे सिटीजंस या यूथ काफी कम है जो गलत के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, और जहाँ पे गलत के खिलाफ आवाज उठाने वाले बहुत कम है तो उस मुल्क से ही पहल हो सकती है चिंगारी की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर इस तरह की स्टेटमेंट दी है कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि कश्मीर में जो उन पे बड़ा जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान की तरफ से तो खैर कोई खास हमें हैरत नहीं है कि इस किस्म की स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, और आप जानते ही हैं कि यहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है या प्राइम मिनिस्टर उसी किस्म की बातें करते हैं। जाहिर है पाकिस्तान हर चीज को अगर मसला है कश्मीर की देखेगा तो वो देख देख के पहले ही जो है वो अपनी वो पुरानी कहानी आपने पढ़ी हुई थी ना कि बुढ़िया जो है रोती रहती थी तो रो रो के उसके सारे आंसू जया होके उसकी नजर चली गई थी। तो वो आप इतना रोए हैं कि आपको अपना मकसद ही सामने नजर ना आए कि आपको भूल ही गया कि कश्मीर का नक्शा कहाँ है, लेकिन इस पे पर्दा हमने आखिर तक जारी रखना। तो वो जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब वाली बात हो गई कि हम 1000 साल तक लड़ेंगे, घास खा लेंगे, अपनी लीडरशिप कायम करेंगे, वो एक भी तो खत्म हो गई। आप ना आप घास खा सकते हैं, सिर्फ आप घास खरीदने के लिए 6 महीने से IMF के सामने पूरी काम को आपने हाथ बांधा के खड़ा किया हुआ है। तो जिस काम का ये हालत हो जाए कि वो अपनी इज्जत और बेइज्जती जो है उसको भी फील ना कर सके कि हमने ये तमाशा क्या लगाया हुआ है, और जब बात इंडिया की आए तो एकदम जो है तीरो तफंग लेके तो ये दुआ करे, तुम्हारे लिए दुआ करेगा जो हमारे बारे में ऐसी बातें करते हो, हम तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। उनको लगता है जो पाकिस्तान में लेडी थी उनको शॉक लगा होगा कि इंडिया के लोग क्या बोल रहे हैं। नहीं बोले क्या, बहुत हो गया जो उन्होंने कहा कि मैं मुझे कश्मीरी मत बोलो, मैं इंडियन हूँ। ऑफ कोर्स ये चाल चल रही है, पाकिस्तान वाले लोगों की बैंड बज गया, ये सब अपना चैनल खोल खोल प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि यार मैं क्या करने आई हूँ, तो मेरे पे बैकफायर हो रहा है सारा। ऐसे होना चाहिए, वो कह रहे हैं कि तुम कश्मीर से इंडिया कहते हो, क्या बात करो कश्मीर से इंडिया, पूरा इंडिया है, मैं इंडिया में कहीं भी जा सकता हूँ, इंजीनियर्स हैं, आपको खाना नहीं मिलता, फंडिंग है हमारे स्टेट में, मतलब सारी विमेन राइट्स सब कुछ है हमारे पास। वो इसीलिए बोल रही थी, वो बार बार इस बात को बोल रही थी कि मैं इंडियन हूं, ये मत बोलो मैं कश्मीरी हूं, मैं इंडियन हूं, मैं कहीं भी जाऊं, कहीं भी करूं, कुछ भी करूं, सब कुछ मेरे पास है और खाना भी है। ये तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, हमें नहीं पता, हमें तो अजीब सा लग रहा है कि तुम्हारा आटा नहीं है। तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया था उन्होंने। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।